Guys, today we are going to discuss our next topic from the same chapter number 7, that is evolution. And you know, this is for class 12 students, and our today's topic is adaptive radiation. After many evidences of evolution in our previous class, now our today's topic is adaptive radiation. So let us see what adaptive radiation is. ठीक है, जैसे हमने पहले देखा कि अलग अलग प्रकार के जो एविडेंसेस थे उसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि फाइनली जो इवोल्यूशन है वो एक डायरेक्टिव प्रोसेस नहीं है, है ना। डिटरमिनेशन की अगर हम सेंस में बात करते हैं तो वो एक डायरेक्टिव प्रोसेस नहीं है, जबकि इवोल्यूशन क्या है, एक स्टोकास्टिक प्रोसेस है जो कि पूरी तरीके से चांस इवेंट्स के ऊपर और चांस म्यूटेशन के ऊपर डिपेंडेंट होती है, राइट। तो अब बात करते हैं एडेप्टिव रेडिएशन की। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए, जब वर्ल्ड वाइड डार्विन जब अपनी यात्रा कर रहे थे, सी वॉयज कर रहे थे, तो उस दौरान वो एक गैलापागोस आइलैंड्स के ऊपर, वहां भी उन्होंने विजिट किया, तो गैलापागोस आइलैंड्स के ऊपर उन्होंने एक बड़ी अच्छी डाइवर्सिटी, बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट नजर आया उनको। उन्होंने क्या देखा कि जो स्मॉल ब्लैक बर्ड्स थी, जो छोटी छोटी काले रंग की जो चिड़िया होती है, पक्षी होते हैं, वो उनमें अलग अलग तरीके के जो बीक्स थे उनकी, उनके बीक्स में बड़ी डाइवर्सिटी पाई गई। यानी एक ही पर्टिकुलर आइलैंड वाले जो एरिया था, ज्योग्राफिकल एरिया, वहां पर उन्होंने क्या देखा कि एक से ज्यादा प्रकार की वो बर्ड्स थी, जिनको बाद में डार्विन्स फिंचेस कहा गया। तो वो जो फिंचेस थी उनकी बीक्स में अलग अलग तरीके का एक वेरिएशन नजर आया उनको। यानी एक ही पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया, एक ही पर्टिकुलर आइलैंड कंटिनेंट के ऊपर एक से ज्यादा प्रकार की बीक वाली फिंचेस का पाया जाना। अब ये एक्चुअली एडेप्टिव रेडिएशन का एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स है, डार्विन्स फिंचेस, राइट। ये जो फिंचेस थी ओरिजिनली ये सीड ईटर थी। अब जैसे जैसे इनमें इवोल्यूशन हुआ, उनके इवोल्यूशन के जरिए नई प्रकार की बीक वाली नई स्पीसीज डेवलप हुई, इवॉल्व हुई, और वो सीड ईटर से फाइनली बाद में वेजिटेरियन फिंचेस भी बनी, कुछ उनमें से कुछ इंसेक्टिवोरस फिंचेस बन गई। ओके, तो ये जो इवोल्यूशन था फिंचेस के केस में जो डार्विन ने ऑब्जर्व किया, ये हमारा एडेप्टिव रेडिएशन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो एडेप्टिव रेडिएशन एक्चुअली क्या प्रोसेस है, देखिए, एडेप्टिव रेडिएशन एक वो प्रोसेस है जिसमें किसी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है, या किसी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल हैबिटेट के अंदर एक ही कॉमन एंसेस्ट्रल स्टॉक से या एक कॉमन पॉइंट से स्टार्ट होके कई प्रकार की डायवर्सिटी की जो अलग अलग स्पीसीज जब इवॉल्व होने लगती हैं इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के अंतर्गत, और वो बाद में अपने नए नए हैबिटेट्स की तरफ, अपने नए नए नीचेस की तरफ रेडिएट होने शुरू हो जाती है, ओके, विद इन द सेम ज्योग्राफिकल हैबिटेट, सेम ज्योग्राफिकल एरिया। तो ये जो प्रोसेस है इसको एडेप्टिव रेडिएशन कहा जाता है। क्लियर, एडेप्टिव रेडिएशन मतलब वो प्रोसेस जिसमें एक कॉमन एंसेस्ट्रल स्टॉक, एक कॉमन पॉइंट से स्टार्ट होके जब एक से ज्यादा प्रकार की स्पीसीज इवॉल्व होती हैं इन इवोल्यूशनरी टर्म्स, और वो स्पीसीज अपने अलग अलग प्रकार के हैबिटेट्स की तरफ को रेडिएट होने शुरू हो जाती है, उधर डाइवर्स होती हैं, फैलती हैं। तो ये जो प्रोसेस इस तरीके की जो नई स्पीसीज के डेवलप होने या डिफरेंट स्पीसीज के डेवलप होने का जो एक प्रोसेस है, ये हम एडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, एडेप्टिव रेडिएशन का एक्चुअल में कॉज क्या होता है कि जब कभी अचानक से बहुत ज्यादा ड्रास्टिक एनवायरमेंटल कंडीशंस में चेंज आता है, यानी किसी भी तरीके से जब एनवायरमेंट उन ऑर्गेनिज्म के लिए नए नए चैलेंजेस रखता है उनके सर्वाइवल के लिए, ओके, तो इन सच ए कंडीशन वेयर एनवायरमेंट प्रोवाइड्स न्यू चैलेंजेस टू दी सर्वाइविंग ऑर्गेनिज्म, और वेन देयर इज ए ह्यूज ए ड्रास्टिक चेंज इन द क्लाइमेटिक और एनवायरमेंटल कंडीशन बाय एनी रीजन, तो इस कंडीशन में जब जो नए नए हैबिटेट्स उनको मिलेंगे, उस हैबिटेट्स के अकॉर्डिंग जब वो ऑर्गेनिज्म अपने आपको मोल्ड करते हैं, अपने आपको उसमें ढाल लेते हैं, तो ये जो प्रोसेस है, अब ऑब्वियसली क्योंकि उनके लिए हैबिटेट दूसरा है, उनके लिए एनवायरमेंटल कंडीशन अलग है, तो उनके एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से जब वो अपने आप को वहां मोस्ट
सक्सेसफुली सर्वाइव कराने के लिए जब एडेप्ट होते हैं, जब अपने आप को मोल्ड करते हैं, तो ये प्रोसेस एडेप्टिव रेडिएशन कहलाता है। क्लियर। और इसका जैसे मैंने बताया कि डार्विनिस फिंचेस या जो इसमें स्मॉल ब्लैक बर्ड्स जो थी, जो कि गैलापागोस आइलैंड के ऊपर उन्होंने डार्विनिस ने ऑब्जर्व किया, ये इसका एग्जांपल हुआ। उसमें कुछ ऐसी थी जिनकी बीक्स बहुत पतली पतली थी, जो नॉर्मली सीड ईटर थी ओरिजिनली। बाद में अलग अलग प्रकार की बीक्स के शेप और साइज की वजह से कुछ इंसेक्टिवर्स बने, कुछ वेजिटेरियन बीक्स वाले जो फिंचेस थे वो डेवलप हुए। तो इसी सिलसिले में एक और एग्जाम्पल आता है जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का। अब जानते हैं मार्सुपियल एक्चुअली क्या होते हैं, वो मैमल्स हैं मार्सुपियल्स जो अपने बेबीज को इमेच्योर कंडीशन में जन्म देते हैं और उनका फर्दर डेवलपमेंट फीमेल के स्टमक के ऊपर पाए जाने वाले एक स्पेशल पाउच के अंदर उनका फर्दर डेवलपमेंट कंप्लीट होता है। ओके, तो मार्सुपियल्स ऐसे मैमल्स हैं जिनका बेबीज का जो जन्म है वो इमेच्योर कंडीशन में, उसका फुल डेवलपमेंट ना होने से पहले ही उनको बॉडी से बाहर डिलीवर कर दिया जाता है। लेकिन वो बच्चे, वो इमेच्योर बेबीज अपने मदर के स्टमक के अंदर, स्टमक के ऊपर मौजूद एक पाउच के अंदर, मार्सुपियल पाउच जिसको बोलते हैं, वहां उनका फर्दर डेवलपमेंट कंप्लीट होता है। ओके, तो ये मार्सुपियल्स हो गए। अब मार्सुपियल्स की इसमें क्या चीज देगी कि मार्सुपियल जो थे एक कॉमन एंसेस्ट्रल स्टॉक से स्टार्ट हो गए और कई प्रकार की डाइवर्सिटीज, कई प्रकार की वैरायटीज में इवॉल्व होने लगे, और वो भी एक ही पर्टिकुलर ऑस्ट्रेलियन आइलैंड के कॉन्टिनेंट के अंदर ही अंदर। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने नाम लिखे हुए हैं। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स में मार्सुपियल मोल है, नंबेट है जिसको हम आंट ईटर भी कहते हैं, और मार्सुपियल माउस, स्पॉटेड कसकस, ये थोड़ा सा अननोन सा एक मार्सुपियल है स्पॉटेड कसकस, इट्स नॉट सो कॉमन, इट्स नॉट सो वेल नोन। ऐसे ही फ्लाइंग फेरेंजर या जिसको हम ग्लाइडर भी कहते हैं, और तस्मेनियन टाइगर कैट, तस्मेनियन वॉल्फ, कंगारू सब जानते हैं आप लोग, वॉम्बेट, मार्सुपियल रैट, कोआला, ये सारे जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स के एक इवॉल्व स्पीसीज हैं, इवॉल्व वेराइटीज हैं। ठीक है, जो कि एडेप्टिव रेडिएशन के जरिए इवॉल्व हुई और उसी पर्टिकुलर ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट में ये पाए जाते हैं। एक और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल है जिसका अब आज कोई भी ऑर्गेनिज्म जीवित नहीं पाया जाता, एक्चुअली ये एक्सटिंक्ट है, और उसका नाम है थाइलेसीन। तो थाइलेसीन एक एक्सटिंक्ट ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल का नाम है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ, जो प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं। प्लेसेंटा आप जानते हैं कि फीमेल की बॉडी में बच्चे को फर्दर डेवलपमेंट, फर्दर न्यूट्रिशन और उसकी जो इसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस हैं, एक्सक्रीशन एंड वगैरह, उसको कंडक्ट कराने के लिए, उसको कैरी आउट करने के लिए फीमेल की बॉडी से जो कनेक्शन होता है इन द फॉर्म ऑफ ए डिस्क एंड विद द हेल्प ऑफ एन अम्बिलिकल कॉर्ड, सो दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा मेमल्स में कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स डेवलप हुए हैं जो अपने करस्पॉन्डिंग ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स जैसे दिखते हैं, बट एक्चुअली दे आर डिफरेंट, दे आर डिफरेंट स्पीसीज, दे आर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। ओके, लेकिन उनके जो नाम है वो काफी हद तक मैच करते हैं, उनके जो फीचर्स हैं वो काफी सिमिलर है। ठीक है, हम देखते हैं किस किस में कहां का सिमिलैरिटी पाई जाती है। तो ये लेफ्ट साइड का कॉलम प्लेसेंटल मैमल्स का है, राइट साइड वाला कॉलम ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का है। जो प्लेसेंटल मोल है वो मार्सुपियल मोल जैसे दिखता है, बट एक्चुअली दे आर डिफरेंट, एज आई टोल्ड दे आर सिमिलर बट नॉट एग्जैक्टली सिमिलर। ओके, ऐसे ही प्लेसेंटल एंटीटर जो है वो नंबेट जैसा, ऑस्ट्रेलियन या मार्सुपियल एंटीटर जैसा नजर आता है। जो प्लेसेंटल माउस है वो मार्सुपियल माउस जैसे दिखता है, जिसको हम बेंडीकूट भी कहते हैं, बेंडीकूट। और ये जो प्लेसेंटल लेमर है, लेमर स्पॉटेड कस्कस जैसा दिखता है। ठीक है, तो ये इनके एक जैसे करस्पॉन्डिंग एनिमल्स हैं जो सिमिलर हैं फीचर्स में, बट एक्चुअली दे आर डिफरेंट इफ वी स्टडी देम थोरोली। ऐसे ही फ्लाइंग स्क्विरल, फ्लाइंग फेलेंजर या जिसमें होता है ग्लाइडर के रूप में, इससे मैच करता है काफी हद तक। जो बॉबकैट है, बॉबकैट तस्मेनियन टाइगर कैट से मिलता जुलता है। ओके, ऐसे ही जो प्लेसेंटल वॉल्फ है वो तस्मेनियन वॉल्फ से मैच करता है। तो आपने देखा कि जब एक पर्टिकुलर
गिवन ज्योग्राफिकल हैबिटेट या गिवन ज्योग्राफिकल एरिया में एक पर्टिकुलर कॉमन पॉइंट से या कॉमन एंसेस्ट्रल स्टॉक से स्टार्ट होके जब कुछ ऑर्गेनिम्स या एक ऑर्गेनिम्स की जो स्पीसीज है वो डाइवर्सिफाई होने लगती है, जब वो अपने वैरायटीज को इवॉल्व करने लगती है, अपनी अलग अलग वैरायटीज में डेवलप होने लगती है विद इन द सेम निच विद इन द सेम हैबिटेट बट इन ए वेरी रैपिड मैनर। ओके, यानी जो एक एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ ड्यूरेशन होता है उससे काफी कम समय में जब ये नई नई वैरायटीज नए नए इवोल्यूशन होने लगते हैं, नई नई जो स्पीसीज का इवोल्यूशन होने लगता है तो ये एक्चुअली एडेप्टिव रेडिएशन कहलाता है, जो कि सेम ज्योग्राफिकल एरिया में इवॉल्व होते हैं लेकिन बाद में ये धीरे धीरे दूसरी तरफ दूसरे दूसरे नए नए हैबिटेट्स की तरफ माइग्रेट करते हैं। जैसे मैंने बताया कि जब एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज होती हैं या जब एनवायरमेंट के थ्रू उनके सर्वाइवल के लिए उनके सामने कुछ चैलेंजेस रखे जाते हैं तो व्हेन दे अडैप्ट देमसेल्व्स इन ऑर्डर टू सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम देन दिस पर्टिकुलर फिनोमेनन इज दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड एज अडैप्टिव रेडिएशन। सो गाइस दिस इज ऑल फॉर टुडे, एज आई टोल्ड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, सो टिल देन कीप शेयरिंग कीप वॉचिंग वीडियोज एंड as I have already told you that I always try to give you something more in every topic, in every class, in every video. So don't miss any video. Keep liking. Thank you. God bless you all.